बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 12 एक्सरसाइज 3.5 में आपको करवा रही हूँ। 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 आज की वीडियो में हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कराने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने ये तमाम फार्मूलाज जो आपको यहाँ पर गिवन हैं ये आपने याद कर लेने हैं। इसके अलावा जो यहाँ नहीं गिवन और हमने पीछे जो है वो उसको पढ़े हैं तो वो मैंने आपको यहाँ पर मैंशन करवा दिए, तो आप इसका भी स्क्रीन शॉट ले लीजिए और इन फार्मूलाज को आप अच्छे से याद कर लीजिए ताकि जब भी ये क्वेश्चन में आपके पास यूज़ हो रहे हों तो आपको जो है वो मुश्किल ना हो क्वेश्चन को सिंपलीफाई करने में। ठीक है, तो ये फार्मूलाज याद कर लेंगे अगर आप, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी एक्सरसाइज को सॉल्व करना। ठीक है, अब हम करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के आपके पास जो है वो 12 पार्ट्स गिवन है। 12 के 12 मैं आपको इस वीडियो में करवाऊँगी। स्टार्ट करते हैं। आपसे क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपके पास जो भी आपके पास गिवन है आपने उसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पार्ट 1 है इसका एक्स स्क्वायर प्लस 2 की एक्सपोनेंट एक्स की। ठीक है, तो अब हम करेंगे सबसे पहले इक्वल इसको, जो भी चीज़ आपको गिवन है उसको आपने लेट करना है इक्वल वाई के। लेट वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 की एक्सपोनेंट एक्स। नाउ अब हम करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर भी आप अप्लाई कर देंगे डी बाय डी एक्स वाई पे और डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 की एक्सपोनेंट एक्स। तो यहाँ से हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स, इसको डी बाई डी एक्स इसे भी देंगे और डी बाई डी एक्स इसे भी देंगे। ये हो जाएगा डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ 2 की एक्सपोनेंट एक्स। नाउ डी वाई बाई डी एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको लेना आता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। किस तरह से लेते हैं तो हमने पीछे फॉर्मूलाज पढ़े थे भाई, अगर मैं आपको रिविजन दूँ तो हम जानते हैं कि डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स की एक्सपोनेंट एन हो तो वो जाता है एन एक्स एन माइनस 1, यानी ये जो एन होता है ये पहले आ जाता है, यानी ये जो स्क्वायर है ये पहले आ गया और जो एक्स की एक्सपोनेंट है उसमें से एक माइनस कर दें तो 2 में से एक माइनस कर दिया, 1 बचा। तो डायरेक्टली अब हम डेरिवेटिव लेना सीख चुके हैं, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और डी बाई डी एक्स जब आपके पास 2 की एक्सपोनेंट एक्स पर अप्लाई हुआ तो यहाँ पर अप्लाई हुआ आपके पास कौन सा लॉग डी बाय डी एक्स ऑफ ए की एक्सपोनेंट एक्स। ठीक है, ये क्या है ए की एक्सपोनेंट एक्स है, ए क्या है कोई कांस्टेंट है और उसके ऊपर एक्स है तो इसका डेरिवेटिव हम जानते हैं ये बराबर होता है ए एक्स एल एन ए के, ये हमने हिंट दी। और ए यहाँ पर क्या है 2 है तो ये हो जाएगा 2 की एक्सपोनेंट एक्स एल एन एक्स एल एन ए, ए क्या है 2, ये आ गया इसका डेरिवेटिव। तो ये हो गया आपके पास सिंपल डिफ्रेंशिएट दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये था पार्ट 1। पार्ट 2 सिंप्लीफाई करें तो 4x प्लस 5 की एक्सपोनेंट एक्स। सॉल्यूशन, अब हमारे पास जो गिवन है उसको हम करेंगे लेट y इज इक्वल्स टू 4 की एक्सपोनेंट x प्लस 5 की एक्सपोनेंट x। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 4 की एक्सपोनेंट x प्लस 5 की एक्सपोनेंट x। नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स हमने दिया 4 की एक्सपोनेंट एक्स को भी और डी बाई डी एक्स हमने अप्लाई कर दिया 5 की एक्सपोनेंट एक्स को भी। अब हम जानते हैं ये आपके पास बराबर है डी बाई डी एक्स ऑफ ए की एक्सपोनेंट एक्स, ये बराबर किसके होता है, ये बराबर होता है ए एक्स एल एन ए के इक्वल। ठीक है, ये मैंने आपको जो फॉर्मूलाज यहाँ पर मैंशन करवाए थे ठीक है उसमें आपके पास ये मौजूद है। ठीक है, इसको आपने याद कर लेना है और आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप जो है वो ये आपको बिल्कुल, मैं कहती हूँ कि आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। बार बार फॉर्मूला को यहाँ पर हिंट में लिखा कीजिए ताकि आपके पास जब फॉर्मूला आप जितनी बार लिखेंगे उतना बार आपको याद हो जाएगा और ये आपको फिर नहीं भूलेगा।
तो फोर के एक्सपोनेंट एक्स का अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा फोर के एक्सपोनेंट एक्स एल एन फोर। इसी तरह फाइव के एक्सपोनेंट एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा, दोनों पे यही अप्लाई होगा, ये हो जाएगा फाइव के एक्सपोनेंट एक्स एल एन फाइव। ये आ गया आपके पास सिंपल डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन, ये था पार्ट टू आपके पास। पार्ट थ्री है ई की एक्सपोनेंट टेन एक्स प्लस कॉट एक्स। अब ये ई की एक्सपोनेंट में मौजूद है, ठीक है। सबसे पहले आपने करना है लेट जो भी आपके पास गिवन हो उसे फंक्शन, उसको वाई के इक्वल लेट कर लेते हैं। वाई इज इक्वल टू ई की एक्सपोनेंट टेन एक्स प्लस कॉट एक्स। नाउ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो गया डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू डी बाय डी एक्स ऑफ ई की एक्सपोनेंट टेन एक्स प्लस कॉट एक्स। तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स, हम ई की एक्सपोनेंट एक्स पे अप्लाई करें। अब हम जानते हैं कि अब ही फॉर्मूला के डी बाई डी एक्स ई की एक्सपोनेंट एक्स का डेरिवेटिव जो आप लें तो वो ई की एक्सपोनेंट एक्स आ जाता है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर ई की एक्सपोनेंट एक्स नहीं है, ई की एक्सपोनेंट आपके पास है एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो उसका क्या होगा, तो देखें भाई ई की एक्सपोनेंट एक्स तो एज इट इज आ जाती है टेन एक्स प्लस कॉट एक्स, ई की एक्सपोनेंट एक्स का डेरिवेटिव ई की एक्सपोनेंट एक्स। मगर अब डी वाई बाई डी एक्स अप्लाई होगा एक्सपोनेंट पर जो कि है टेन एक्स प्लस कॉट एक्स। तो ये है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई की एक्सपोनेंट टेन एक्स प्लस कॉट एक्स एज इट इज, और डी बाई डी एक्स अप्लाई होगा टेन एक्स पे भी कॉट एक्स पे भी, दोनों पे डेरिवेटिव लेंगे तो टेन एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है टेन एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स के, ठीक है। और इसी तरह कॉट एक्स का डेरिवेटिव लेंगे बराबर होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स के, ठीक है। तो ये आ गए दोनों के डेरिवेटिव। अब दोबारा x का डेरिवेटिव लेते हैं, अगर यहाँ पर टेन टू एक्स होता तो हम दोबारा से इसका डेरिवेटिव लेते हैं, मगर हम नहीं लेंगे क्योंकि सिंपल x है तो x का डेरिवेटिव तो 1 ही होता है। तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स e की एक्सपोनेंट टेन एक्स प्लस कॉट एक्स। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। पार्ट फोर है ई की एक्सपोनेंट टेन एक्स का स्क्वायर। सॉल्यूशन अब हम लेट करेंगे, जो भी हमें फंक्शन गिवन होता है लेट वाई इज इक्वल्स टू ई की एक्सपोनेंट टेन एक्स स्क्वायर। नाउ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई की एक्सपोनेंट टेन एक्स स्क्वायर। अब डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज आ गया, ई की एक्सपोनेंट एक्स का डेरिवेटिव लेना है तो हम जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई की एक्सपोनेंट एक्स हो तो वो बराबर होता है ई की एक्सपोनेंट एक्स, यानी ई की एक्सपोनेंट एक्स का डेरिवेटिव ई की एक्सपोनेंट एक्स ही होता है। तो e की एक्सपोनेंट x का डेरिवेटिव e की एक्सपोनेंट x एज इट इज। अब d बाई डी एक्स अप्लाई होगा एक्सपोनेंट पर, एक्सपोनेंट क्या है टेन एक्स स्क्वायर। अब देखिए जो बात मैंने ऊपर कही थी आपसे, अगर x होता तो हम दोबारा डेरिवेटिव ले नहीं लेते, तो x स्क्वायर है तब दोबारा डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा अगले स्टेप में, जब हम पहले टेन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ले लेंगे उसके बाद। तो e की एक्सपोनेंट टेन एक्स स्क्वायर एज इट इज़। अब डी बाई डी एक्स अप्लाई हुआ आपके पास टेन एक्स का डेरिवेटिव, यानी कि टेन एक्स स्क्वायर है मगर टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्योंकि टेन एक्स का स्क्वायर है। टेन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हम लिखेंगे यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स स्क्वायर बराबर है सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर।
अब एक्स का डेरिवेटिव दोबारा लेना पड़ेगा क्योंकि एक्स नहीं है, अब एक्स स्क्वायर है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई की एक्सपोनेंट टेन एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का दोबारा डेरिवेटिव लिया तो ये हो गया टू एक्स। तो अब हम इसे अरेंज कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स बराबर है टू एक्स सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर ई की एक्सपोनेंट टेन एक्स स्क्वायर, यह आ गया सिंपली आपके पास इसका भी डेरिवेटिव। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। पार्ट फाइव है हमारे पास ई की एक्सपोनेंट टू एल एन टू एक्स प्लस वन। अब हमारे पास जो भी फंक्शन गिवन होता है हम उसको लेट कर लेते हैं, लेट वाई इज इक्वल्स टू ई की एक्सपोनेंट टू एल एन टू एक्स प्लस वन। अब देखें ई भी है और एल एन भी है, तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शंस होते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसे पहले सिंप्लीफाई कर सकते हैं थोड़ा सा। तो हम जानते हैं वाई इज इक्वल्स टू ई, अब ये जो एक्सपोनेंट आपके पास मौजूद है ई की तो एक्सपोनेंट है, मगर हम जानते हैं कि अगर आपके पास मौजूद हो एन एल एन ए तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है एल एन ए की एक्सपोनेंट एन, यानी जो भी यहाँ पर पहले लिखा होता है आप उसे लॉग के जो है वो एक्सपोनेंट बना सकते हैं, जो भी लॉग से पहले कोफिशिएंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं भाई एल एन टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, हम इस तरह से इसे मेंशन कर सकते हैं, ई एल एन से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास सिंपल फंक्शन हो जाएगा ई इज इक्वल्स टू टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया सिंपल आपके पास। नाउ अब आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो गया डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू डी बाय डी एक्स ऑफ टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब ये तो बहुत सिंपल हो गया आपके पास, इसका डेरिवेटिव लेना तो बहुत ईजी है। पहले एक्स का डेरिवेटिव होगा टू टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर था, तो एक्सपोनेंट कैंसिल हुई, यानी आपके पास पहले ही फॉर्मूला अप्लाई हुआ एन और डी बाय डी एक्स ऑफ सॉरी डी बाय डी एक्स हो रहा है एक्स की एक्सपोनेंट एन पे, तो ये जगह एन एक्स एन माइनस वन, ये पूरा एक्स है। ठीक है, इसकी एक्सपोनेंट एन है, तो एन नीचे आई और एक्सपोनेंट में से एक माइनस कर दिया। अब आपने दोबारा डेरिवेटिव लेना है टू एक्स प्लस वन का, तो डी बाई डी एक्स ऑफ टू एक्स प्लस वन, क्योंकि पहले डेरिवेटिव हमने एक्सपोनेंट का लिया है, देन अब आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ टू टू एक्स प्लस वन। अब टू एक्स का डेरिवेटिव हो गया टू और वन का डेरिवेटिव हो गया ज़ीरो, तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 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 ज़ा फोर टू एक्स प्लस वन इज़ द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। नाउ पार्ट सिक्स है लॉग टेन एक्स, सॉल्यूशन करें तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट वाई इज इक्वल्स टू लॉग टेन एक्स। अब ये जो लॉग टेन एक्स है इसके ऊपर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग टेन एक्स। तो हम जानते हैं log 10x बराबर किसके होगा, तो dy वाई बाई डी एक्स बराबर होता है। अब यहाँ हैंड देंगे, हम जानते हैं कि भाई t बाई डी एक्स हो और log 10x हो, तो ये बराबर होता है वन अपॉन एक्स एल एन ए के। ठीक है, ये चीज़ हम यहाँ पढ़ चुके हैं, यहाँ लॉग टेन एक्स बराबर होगा वन अपॉन एक्स एल एन ए के।
ठीक है, बल्कि यहाँ पर भी गिवन है ये। नाउ तो यहाँ पर हमारे पास आ गया वन अपॉन एक्स एज इट इज आ गया, और ए जो है वो क्या है यहाँ पर टेन है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा टेन, वन अपॉन एक्स एल एन टेन इज द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। ये था पार्ट सिक्स। पार्ट सेवन को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पार्ट सेवन है ई की एक्सपोनेंट एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। सबसे पहले हम लेट करेंगे कि लेट वाई इज इक्वल्स टू ई की एक्सपोनेंट एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ ई की एक्सपोनेंट एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब देखिए यू अपॉन वी का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, यानी हम जानते हैं कि भाई एफ ऑफ एक्स हो और अपॉन में जी ऑफ एक्स हो तो बराबर किसकी होता है, तो पहले आ जाता है आपके पास जी ऑफ एक्स, फिर आप अप्लाई करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, फिर माइनस साइन एफ ऑफ एक्स और डी बाई डी एक्स अप्लाई होता है जी ऑफ एक्स पर, और अपॉन में आ जाता है जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस वन, और डी बाई डी एक्स अप्लाई होगा ई के एक्सपोनेंट एक्स पे, माइनस साइन ई के एक्सपोनेंट एक्स एज इट इज, डी बाई डी एक्स अप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन पे, एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन एज इट इज़ आ गया। ई की एक्सपोनेंट एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है कि भाई डी बाई डी एक्स और ई की एक्सपोनेंट एक्स हो तो ये बराबर होती है ई की एक्सपोनेंट एक्स के ही, तो ये एज इट इज़ माइनस ई की एक्सपोनेंट एक्स एज इट इज़। डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन पे अप्लाई हुआ तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया टू एक्स, और वन का डेरिवेटिव हो गया ज़ीरो। अपॉन में है एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। जस्ट अब इसे हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन ई की एक्सपोनेंट एक्स माइनस ई की एक्सपोनेंट एक्स है और ये टू टू एक्स ई की एक्सपोनेंट एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। अब ई की एक्सपोनेंट एक्स दोनों में ही कॉमन है तो इसको जस्ट कॉमन लेके लिख दें तो ये ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म हो जाएगी। डी बाय डी एक्स ऑफ ई की एक्सपोनेंट एक्स दोनों में कॉमन है तो हम दोनों में से कॉमन लेते हैं, बल्कि जैसा बुक में आंसर है बिल्कुल उसी तरह कर लेते हैं। ई की एक्सपोनेंट एक्स कॉमन ले ली, अंदर बचा एक्स स्क्वायर प्लस वन और यहाँ से बचा माइनस का टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि अब बस ये सिंप्लीफाई होना है। ठीक है, जितना सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं बस उतना करके, अब ये देखें एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, ये आपके पास बन रहा है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर का, तो ये ए स्क्वायर है ये टू ए बी है माइनस का ये बी स्क्वायर है, तो ये फॉर्मूला हो गया एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, और नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ दिस इज द आंसर या डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। अब है पार्ट एट। पार्ट एट में आपसे है क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस टू की एक्सपोनेंट एक्स प्लस ए की एक्सपोनेंट टू एक्स। ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन आपको गिवन है, तीनों पर अलग अलग अप्लाई होगा क्योंकि दोनों तीनों ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू की एक्सपोनेंट एक्स प्लस ए की एक्सपोनेंट टू एक्स। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स,
तो ये हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू की एक्सपोनेंट एक्स प्लस ए की एक्सपोनेंट टू एक्स डी बाय डी एक्स ऑफ, अब डी बाय डी एक्स सबको अप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर पे भी, डी बाय डी एक्स टू की एक्सपोनेंट एक्स को भी दे देंगे प्लस डी बाय डी एक्स ए की एक्सपोनेंट टू एक्स को भी। नाउ डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज आ गया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको पता है टू एक्स होता है, जबकि ये आपके पास मौजूद है डी बाय डी एक्स ऑफ ए की एक्सपोनेंट एक्स बराबर किसके होता है, तो ये आपके पास बराबर होता है ए की एक्सपोनेंट एक्स एल एन ए, ए है टू, तो ये हो गया टू की एक्सपोनेंट एक्स एल एन टू, और यहाँ पर भी आपके पास यही मौजूद है ए की एक्सपोनेंट टू एक्स है, ठीक है, तो टू एक्स है तो डेरिवेटिव तो यही होगा ए की एक्सपोनेंट टू एक्स एल एन ए, और टू एक्स का दोबारा डेरिवेटिव आपको लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव आप लिए बगैर आपका क्वेश्चन जो वो, क्योंकि एक्सपोनेंट एक्स नहीं है, एक्स का डेरिवेटिव सिंपल वन होता है, तो डी बाई डी एक्स अप्लाई हो जाएगा अब टू एक्स पर, तो ये हो जाएगा टी वाई वाई टी एक्स इक्वल्स टू टू की एक्सपोनेंट एक्स टू की एक्सपोनेंट एक्स एल एन टू प्लस टू एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो सिंपल टू आएगा, तो टू को हम पहले लिख लें टू ए की एक्सपोनेंट टू एक्स एल एन ए। नाउ ये आपके पास आ गया डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन, ये था पार्ट टू इट, पार्ट नाइन सिंप्लीफाई करेंगे। तो पार्ट नाइन है ln x का ln x की होल एक्सपोनेंट x, नाउ ln x की होल एक्सपोनेंट x का आपके पास एज सच कोई फॉर्मूला है नहीं, तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम करते हैं पहले हम दोनों साइड्स पर जो है वो नेचुरल लॉगरिथम लेंगे, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जब आपके पास एल एन एक्स की एक्सपोनेंट एक्स आ जाए या फिर एल एन के फंक्शन में जो भी आपके पास गिवन है उसकी एक्सपोनेंट आ जाए, तो आपने दोनों साइड्स पे एल एन लेना होता है यानी नेचुरल लॉगरिथम लेना होता है, तो वाई इज़ इक्वल्स टू एल एन एक्स की होल एक्सपोनेंट एक्स करें तो यहाँ पर लेंगे हम टेकिंग एल एन ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे ले लेंगे, तो ये हो जाएगा एल एन वाई इक्वल्स टू एल एन एक्स की होल एक्सपोनेंट एक्स। अब हम जानते हैं लॉग की अगर एक्सपोनेंट हो तो वो आपके पास लॉग से पहले लिखी जा सकती है, यानी कि इस तरह से हो एल एन ए की एक्सपोनेंट बी, तो ये हो सकता है बी एल एन ए, हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, तो हम जस्ट इसे इस तरह राइट कर लेते हैं ताकि और इजी हो जाएगा, एक्सपोनेंट खुद ब खुद जो है वो आपके पास डिनोमिनेटर में सॉरी नीचे आ जाएगी, तो ये जगह एक्स एल एन एक्स, नाउ Differentiate with respect to x. अब डिफ्रेंशिएट करें तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें यहाँ पर भी डी बाय डी एक्स ऑफ एल एन वाई डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स एल एन एक्स। अब ये जो एल एन एक्स है ये एक फंक्शन है एल एन एक्स, ये पूरा जो एल एन एक्स है ना ये इसके साथ एल एन के साथ, तो इसको और इसको हम एक दो फंक्शन कंसिडर करके हम अप्लाई कर सकते हैं इनका एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई जी ऑफ एक्स का फॉर्मूला। यहाँ पर हो जाएगा एल एन वाई का डेरिवेटिव वन अपॉन वाई और फिर दोबारा वाई का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर करें तो एक्स एज इट इज़ और डी बाई डी एक्स अप्लाई हो जाएगा एल एन एक्स पर, फिर प्लस एल एन एक्स एज इट इज़ और डी बाय डी एक्स अप्लाई हो जाएगा एक्स पर, वन अपॉन वाई एज इट इज़ आ गया और ये मल्टीप्लाई हो रहा है डी वाई बाई डी एक्स से, एक्स एज इट इज़ आ गया एल एन एक्स, ये है एल एन एक्स और हम जानते हैं एल एन एक्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन एक्स, तो ये एक्स है इस वक्त, तो इसका डेरिवेटिव हो गया
वन अपॉन एक्स, ठीक है, एल एन एक्स का डेरिवेटिव हो गया वन अपॉन एक्स, एक्स ही एल एन एक्स है। अब दोबारा एल एन एक्स का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि एक्स सिंपल एक्स नहीं है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स प्लस एल एन और एल एन एक्स एज इट इज, डी एक्स अपॉन डी एक्स हो गया वन। वाई यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई एक्स अपॉन एल एन एक्स, और यहाँ से डी वाई डी एक्स एल एन एक्स पे अप्लाई हुआ तो एल एन एक्स का डेरिवेटिव हो जाता है वन अपॉन एक्स प्लस एल एन एक्स एज इट इज आ गया, ये एक्स इस एक्स से कैंसिल हो गया। नाउ डी वाई बाई डी एक्स, अब वाई वाई की जगह हम लिख सकते हैं क्योंकि जो भी फंक्शन गिवन होता है वो वाई अगर यहाँ आ जाए तो आपने उस वैल्यू पुट करनी है, तो वाई बराबर किसके था, एल एन एक्स की होल एक्सपोनेंट एक्स के, जो आपके पास क्वेश्चन गिवन था। तो यहाँ हम लिख देंगे एल एन एक्स की होल एक्सपोनेंट एक्स, और यहाँ पर पूरा आपके पास आ जाएगा वन अपॉन एल एन एक्स प्लस एल एन एक्स, ये आ गया आपके पास सिंपल इस पार्ट का डेरिवेटिव। नाउ ये था पार्ट नाइन, पार्ट टेन सॉल्व करते हैं। पार्ट टेन है एल एन ई की एक्सपोनेंट थ्री एक्स प्लस ई की एक्सपोनेंट माइनस थ्री एक्स। सबसे पहले हम लेट करेंगे y इज इक्वल्स टू एल एन ई की एक्सपोनेंट थ्री एक्स प्लस ई की एक्सपोनेंट माइनस थ्री एक्स। अब यहाँ पर ये फंक्शन गिवन है, एल एन भी है, ई भी मौजूद है, ठीक है, लेकिन आपके पास ई के एक्सपोनेंट या इनके एक्सपोनेंट में मौजूद नहीं है फिलहाल। तो हम स्टार्ट किस तरह से लेंगे, तो हमने दोनों साइड्स पर देखा कि यहाँ पर रूट मौजूद है तो रूट को हम खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, क्योंकि रूट को अगर हम ओपन नहीं करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन आपके पास मुश्किल हो जाएगी। तो रूट ओपन किया, हाफ आ गया। अब हम जानते हैं कि भाई अगर एल एन के साथ आपके पास कोई भी चीज़ हो, जैसे ए है, या इस पूरे को हम ए कह लेते हैं, इसके ऊपर एक्सपोनेंट हो तो वो पहले लिखी जा सकती है, तो ये हो जाएगा बी एल एन ए, और सिंपल हो जाएगा तो वाई इज इक्वल्स टू एल एन, एल एन से पहले आ जाएगा ये हाफ ई की एक्सपोनेंट थ्री एक्स प्लस ई की एक्सपोनेंट माइनस थ्री एक्स, ये एल एन एक्स है पूरा, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू डी बाय डी एक्स ऑफ, अच्छा हाफ को हम पहले ही लिख लेते हैं डी बाई डी एक्स से, एल एन ई की एक्सपोनेंट थ्री एक्स प्लस ई की एक्सपोनेंट माइनस थ्री एक्स। अब अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव, तो आप जानते हैं कि भाई डी बाय डी एक्स ऑफ एल एन एक्स हो तो बराबर होता है वन अपॉन एक्स के, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स बराबर है वन अपॉन एक्स के, तो ये पूरा का पूरा एल एन एक्स है, तो ये हो जाएगा वन अपॉन ई की एक्सपोनेंट थ्री एक्स प्लस ई की एक्सपोनेंट माइनस थ्री एक्स। अब दोबारा से हमें डेरिवेटिव लेना होगा क्योंकि जस्ट एक्स नहीं था, तो डी बाई डी एक्स ई की एक्सपोनेंट थ्री एक्स प्लस ई की एक्सपोनेंट माइनस थ्री एक्स पर दोबारा डेरिवेटिव अप्लाई करना पड़ेगा। नाउ डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज आ गया, ठीक है, ये हो गया वन अपॉन मैंने पॉइंट टू ऐसे ही रखा, ये पूरा का पूरा है ई की एक्सपोनेंट थ्री एक्स प्लस ई की एक्सपोनेंट माइनस थ्री एक्स। ई की एक्सपोनेंट एक्स का डेरिवेटिव हम जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई की एक्सपोनेंट एक्स का डेरिवेटिव ई की एक्सपोनेंट एक्स ही होता है, ठीक है, तो ई की एक्सपोनेंट एक्स का डेरिवेटिव आ गया ई की एक्सपोनेंट एक्स, मगर एक्स नहीं है थ्री एक्स है, तो थ्री एक्स का दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे तो थ्री एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा थ्री, ठीक है, प्लस इस तरह से यहाँ पर भी होगा ई की एक्सपोनेंट एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा ई की एक्सपोनेंट एक्स, और एक्स माइनस का थ्री एक्स है, माइनस के थ्री एक्स का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस का थ्री आ जाएगा।
अब ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब देखें यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है -3, दोनों के पास 3 कॉमन है तो हम 3 कॉमन ले लेते हैं, माइनस साइन वहीं रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा 3/2 और ये ऊपर है e की एक्सपोनेंट 3x और यहाँ पर है प्लस माइनस माइनस e की एक्सपोनेंट -3x। अब डिनोमिनेटर में तो वही चीज़ आ जाएगी, e की एक्सपोनेंट 3x प्लस e की एक्सपोनेंट -3x, ठीक है। बट आपकी बुक में जो आंसर गिवन है वो इस तरह की कंडीशन में नहीं गिवन। तो अब हमने पीछे पढ़ा था जो हमारे पास चैप्टर नंबर 2 था उसमें हमने कुछ फंक्शंस पढ़े थे, ठीक है, उन फंक्शंस के अकॉर्डिंग अब हमें इसका डेरिवेटिव मतलब सिंपलीफाई करके उसे उसमें लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने पढ़ा था हाइपरबोलिक फंक्शंस को, तो हाइपरबोलिक फंक्शंस में जो आपके पास 10 हाइपरबोलिक फंक्शन था, 10 हाइपरबोलिक एक्स बराबर ई के एक्सपोनेंट एक्स माइनस ई के एक्सपोनेंट माइनस एक्स डिवाइडेड बाई के एक्सपोनेंट एक्स प्लस ई के एक्सपोनेंट माइनस एक्स। देखिए सेम एज इट इज़ हमारे पास यही कंडीशन है, ई के एक्सपोनेंट एक्स माइनस ई के एक्सपोनेंट माइनस एक्स ई के एक्सपोनेंट एक्स प्लस ई के एक्सपोनेंट माइनस एक्स, जस्ट एक्स की जगह साथ 3 मौजूद है, ठीक है। तो जस्ट आपके पास यही चीज़ बन रही है, तो ये बराबर किसके हो सकती है, साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन कॉस हाइपरबोलिक एक्स के, और वो बराबर किसके हो सकता है, टेन हाइपरबोलिक एक्स के। तो हम यहाँ पर हिंट देंगे कि ई के एक्सपोनेंट एक्स माइनस ई के एक्सपोनेंट माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई के एक्सपोनेंट एक्स प्लस ई के एक्सपोनेंट माइनस एक्स बराबर है टेन हाइपरबोलिक एक्स के। तो अब यहाँ पर 3 मौजूद है तो हम इसे लिख सकते हैं 3/2 टेन हाइपरबोलिक 3x, एक्स नहीं है 3x मौजूद है, ठीक है। तो ये आ गया सिंपल इस क्वेश्चन का आपके पास डेरिवेटिव, जो गिवन फंक्शन था पार्ट 10 था ये हमारे पास। आई होप आपको तमाम पार्ट समझ में आ रहे होंगे। पार्ट 10 के बाद है पार्ट 11। पार्ट 11 में आपसे कह रहे हैं एलन साइन एलन एक्स। अब आपके पास एलन का ही जो फंक्शन है यानी एलन एक्स जो है वही साइन एलन एक्स के बराबर है, उसमें भी फंक्शन है, उसके एक्स में भी फंक्शन है, ठीक है। तो किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास इस क्वेश्चन को, देखिए सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल्स टू एल एन साइन एल एन एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी डिफरेंशिएट करेंगे, इस सच हम इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करें तो हम लेंगे dy/dx ऑफ ln sin ln x। नाउ dy/dx यहाँ तो एज इट इज आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि भाई dy/dx ऑफ ln x बराबर होता है 1/x, ठीक है। dy/dx ऑफ ln x बराबर होता है 1/x के। अब ये चीज़ देखें तो ये बराबर है एल एन एक्स, ये पूरा एक्स है, तो ये जगह 1/sin एल एन एक्स। अब एक्स की जगह आपके पास बहुत मतलब फंक्शन मौजूद है तो इसको फिर दोबारा से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो dy/dx ऑफ साइन एल एन एक्स dy/dx इक्वल्स टू 1/sin एल एन एक्स एज इट इज आ गया, और dy/dx साइन एक्स पे अप्लाई हुआ। अब ये एक्स है तो हम जानते हैं dy/dx ऑफ साइन एक्स बराबर होता है कॉस एक्स के। अब एक्स एल एन एक्स है तो ये हो जाएगा कॉस एल एन एक्स। अब एक्स नहीं है आपके पास, एल एन एक्स है तो dy/dx एल एन एक्स पे अप्लाई होगा, dy/dx ऑफ एल एन एक्स। यानी जब तक आपके पास फंक्शन पूरा सिंप्लीफाई ना हो जाए यानी एक्स ना आ जाए तब तक आपने डिफरेंशिएट करते जाना है। अब देखें एल एन एक्स का डेरिवेटिव लेने के बाद एक्स है ना, अब एक्स के फंक्शन में अगर कुछ और होता तो हम दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं, मगर यहाँ एक्स है तो dx/dx 1 हो जाता है। अब सिंप्लीफाई मतलब अब डेरिवेटिव दोबारा नहीं लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा कॉस एल एन एक्स अपॉन साइन एल एन एक्स, और dy/dx एल एन एक्स पे अप्लाई हुआ तो एल एन एक्स का डेरिवेटिव 1/x। अब हम जानते हैं कि cos x अपॉन sin x बराबर होता है cot x,
तो इसकी जगह आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू कॉट एल एन एक्स और डिवाइडेड बाय एक्स। इसको हम नीचे लिख लेते हैं, ये आ गया सिंपल आपके पास इस फंक्शन का डेरिवेटिव। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, मगर यहाँ पे डेरिवेटिव बार बार लेना पड़ेगा जब तक आपके पास जो है वो डी एक्स अपॉन डी एक्स ना आ जाए। ये था पार्ट 11। पार्ट 12 सिंपलीफाई करें, पार्ट 12 है एल एन 10, यानी ये x है पूरा एल एन एक्स, एल एन 10 एक्स अपॉन 2 प्लस पाई बाय 4, ये आपके पास गिवन फंक्शन है। सबसे पहले आपने अपने फंक्शन को लेट कर लेना है y के इक्वल, लेट y इज इक्वल्स टू एल एन 10 एक्स अपॉन 2 प्लस पाई अपॉन 4। नाउ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया डी वाई बाय डी एक्स बराबर है डी बाय डी एक्स ऑफ एल एन 10 पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4। अब हम जानते हैं कि भाई डी बाय डी एक्स ऑफ एल एन एक्स हो तो वो बराबर होता है 1 अपॉन एक्स, ये पूरा x है, तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 10 पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4। अब चूँकि x नहीं है तो हम क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स अप्लाई करेंगे किस पर, 10 पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4। ठीक है, अब x ना होने की वजह से हमें दोबारा डिफ्रेंशिएट करना पड़ा। अब यहाँ देखें दोबारा x नहीं है तो फिर दोबारा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है अपने कि जब तक x ना आ जाए तब तक आपने डिफ्रेंशिएट करते जाना है। तो ये है 10 पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4, और जब आप डी बाई डी एक्स लेंगे 10 का, तो हम जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ 10 एक्स बराबर होता है sec स्क्वायर x के। अब इसका डेरिवेटिव हमने लिया तो वो आ गया sec स्क्वायर x। अब x क्या है, x ऑलरेडी पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4 है। अब x x नहीं है तो इसलिए दोबारा से डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4 पे अप्लाई होगा। ठीक है, आई होप आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब यहाँ पर है 1 अपॉन 10। ठीक है, 10 मौजूद है तो 10 का हम जानते हैं कि 10 का रेसिप्रोकल आपके पास होता है, रेसिप्रोकल जो नहीं करते बल्कि 10 हम जानते हैं कि 10 बराबर किसके होता है, 10 बराबर होता है आपके पास 10 थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब 10 थीटा 1 अपॉन 10 थीटा करें हम तो 1 अपॉन 10 थीटा पलट दें तो ये भी पलट जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कॉस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4 अपॉन साइन पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4, और यहाँ पर है sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर को भी हम लिख सकते हैं कि sec थीटा बराबर होता है 1 अपॉन cos थीटा के। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन sec स्क्वायर, तो हो जाएगा cos स्क्वायर पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4, और d बाई डी एक्स समझ हम पाई बाय 2 और इस पर अप्लाई करें तो देखें आपके पास दोनों ही ये जो है वो क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, यानी पाई बाय 2 और पाई बाय 4 आपके पास। अच्छा, यहाँ पर x है, x बाय 2 है, मैंने यहाँ पर पाई चलाया और पाई ही चलता गया, वो x है, एक जगह x है और एक जगह, वरना ये ऐड नहीं हो जाते। ठीक है, मैंने फोकस नहीं किया इतना। ठीक है, ये आपके पास x है, x बाय 2 और पाई बाय 4, तो x का डेरिवेटिव तो 1 हो गया, हाफ एज इट इज़ आ गया। ठीक है, हाफ एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 1 और ये है पाई बाय 4, इसका डेरिवेटिव हो गया 0। अब जब तक एक्स नहीं आता हम दोबारा डेरिवेटिव लेते रहते हैं, अब एक्स आ गया तो हम दोबारा डेरिवेटिव नहीं लेंगे, तो आ गया डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4 से कॉस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4 की एक एक्सपोनेंट कैंसिल, ये हो गया 1 अपॉन 2 साइन
एक्स बाय टू प्लस पाई बाय फोर कॉस एक्स बाय टू प्लस पाई बाय फोर। अब हम यहाँ पर अगेन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हम जानते हैं साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होता है टू, अच्छा टू साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होता है साइन टू थीटा के। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने क्लास 11 में ही पढ़े हैं। सारे फार्मूलाज मैंने आपको पेपर पे जो है वो नोट डाउन करवाए हैं। अगर आप नहीं किए हुए तो लाजमी जो है वो वीडियो देख के कर लीजिए, ताकि आपके पास तमाम फार्मूलाज 11 के भी मौजूद हों। तो ये है टू साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये बराबर किसके, साइन टू थीटा के। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर है वन अपॉन साइन टू। अब थीटा क्या है, एक्स बाय टू प्लस पाई बाय फोर। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब ये टू अंदर चला गया मल्टीप्लाई होने, तो ये हो गया टू से टू कैंसिल, और यहाँ हुआ तो यहाँ हो गया पाई बाई टू। तो ये हो गया वन अपॉन साइन एक्स प्लस पाई बाय टू। अब ये हो गया वन अपॉन साइन एक्स प्लस पाई बाई टू। और अब हम जानते हैं कि साइन एक्स प्लस पाई बाई टू बराबर होता है आपके पास कॉस एक्स के। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा डी वाई बाई टी एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन कॉस एक्स, और वन अपॉन कॉस एक्स बराबर होता है आपके पास सेक एक्स के। तो डी वाई बाई टी एक्स इक्वल्स टू सेक एक्स। ये आ गया आपके पास डेरिवेटिव गिवन फंक्शन का। आई होप आपको समझ में आए होंगे क्वेश्चन। काफ़ी लास्ट के जो थे वो काफ़ी आपके पास जो है वो कह रहे हैं कॉम्प्लिकेटेड थे, मगर आपने फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करते हुए उन्हें सिंप्लीफाई करना है। फॉर्मूलाज बिल्कुल आपने भूलना नहीं है। मैं तमाम फॉर्मूलाज एक दफ़ा आपको रिव्यू करवा देती हूँ, ताकि आप स्क्रीन शॉट ले लें और आपके पास तमाम के तमाम फॉर्मूलाज मौजूद हों। तमाम फॉर्मूलाज आपको याद होंगे, तभी आप जो है वो इनको ईजीली सिंप्लीफाई कर सकेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ हैं, जो कि मैंने आपको इसकी भी एक अलग से वीडियो मैंने बनाई है कंप्लीट, कि कैसे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा ये तमाम क्लास 11 के फॉर्मूलाज हैं, जो मैंने आपको एक जगह नोट डाउन करवाए थे क्लास 11 में। आई होप आपको याद होंगे अब तक। ये तमाम वो फॉर्मूलाज हैं जो कि आपके पास क्लास 11 के हैं, मगर यूज़ हो रहे हैं यहाँ पर क्लास 12 में। अब आपके पास इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट ले लें। आप इन तमाम क्वेश्चंस का जो है वो स्क्रीनशॉट वहाँ से भी आप ले सकते हैं वेबसाइट से, ताकि आप जो है वो अगर आपको यहाँ से नहीं मिल रहा प्रॉपर, तो आप जो है वो वेबसाइट पे जाकर भी जो है वो इनके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अपने क्वेश्चंस को करने के बाद मैच कर सकते हैं, कहीं आपने कोई मिस्टेक नहीं की। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है मैं क्वेश्चन करवाने के बाद आपको जो है वो इस तरह से स्क्रीनशॉट नहीं दे पाती, तो आप वहाँ से जाकर जो है वह ले सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।